कैबिनेट की अज अहम बैठक है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होर की अगुवाई दे विच ये बैठक होने जा रही है तो NHM मुलाजमान की पॉलिसी नूं लैके चर्चा संभव है। होर भी काफ़ी जिहड़े मुद्दे ने वह इस दे विच विचारे जाणगे तो बैठक दे विच कीते जा सकते ने काफ़ी वड्डे ऐलान। सो दस दिए कि हिमाचल कैबिनेट की अज अहम बैठक है जिस दे विच खास तौर पर कई वड्डे ऐलान किए जा सकते हैं क्योंकि विधानसभा सिर ते ने तो हो सकता है कि हिमाचल वासियों नूं वड्डी सौगात भी मिल सकती है। वख-वख जिहड़े ने मुलाजम ने उन्हां नूं वड्डी राहत ते वड्डे उन्हां दे लई ऐलान भी हो सकते हैं तो NHM मुलाजमां दी पॉलिसी नूं लैके भी चर्चा संभव है। होर भी काफ़ी अहम मसले इस मीटिंग दे विच विचारे जा सकते हैं। सो दस दिए कि अज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होरां दी अगुवाई दे विच इह बैठक होएगी जिस दे विच खास तौर पर NHM मुलाजमान की पॉलिसी में लैके चर्चा तो होनी है। होर भी कई जड़े मामले ने वो भी विचारे जाने ने, होर भी कई जड़े मुद्दे ने वो भी इस मीटिंग दे विच विचारे जाणगे। सो बैठक दे विच कई अहम ते वड्डे फैसले किए जा सकते हैं। सो कह सकते हैं कि वड्डे ऐलान हो सकते हैं इस बैठक तो बाद ते NHM मुलाजमान की पॉलिसी का खास तौर पर मुद्दा चर्चा का विशा रहेगा इस मीटिंग के दरम्यान। सो हिमाचल कैबिनेट की अहम मीटिंग है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होर की अगुवाई दे विच ये मीटिंग होएगी जिस दे विच काफ़ी अहम जिहड़े मसले ने विचारे जाणगे। इस दे नाल ही इस खबर ते होर वधेरे जानकारी दी सांझ पाउण दे लई साडे नाल शिमला तों समीक्षा राणा लाइव मौजूद ने। समीक्षा की जानकारी है अज की जी हिमाचल की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है इस दे विच किहड़े किहड़े मुद्दे अहम रहने वाले ने? देखिए चुनाव से पहले जो है वो ये कैबिनेट हो रही है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सरकार की अंतिम कैबिनेट जो है वो होने वाली है तो मुख्य तौर पर अहम ये कैबिनेट मानी जा रही है। कुछ ही दिनों के बाद कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा जिसके बाद कैबिनेट नहीं होगी और अगली सरकार जो है वो कैबिनेट करेगी। कैबिनेट की अगर आज की बात करें तो समय में बदलाव जो है वो किया गया है, पहले 4 बजे कैबिनेट रखी गई थी, अब 3 बजे कैबिनेट कर दी गई है। तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो NHM कर्मी हैं उनको लेकर एक पॉलिसी बनाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग थी जिसको लेकर सरकार ने कमेटी का गठन भी किया गया था जिस पर चर्चा पहले हो चुकी है। तो आज जो है वो ये एजेंडा कैबिनेट में लगा है तो अब देखना होगा कि NHM कर्मियों को क्या राहत मिल सकती है, क्या कोई पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है, तो इस पर एक अहम चर्चा जो है वो होनी है। वहीं फाइब्रिगेड्स जो कर्मी हैं वो भी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि 2012 से उन्हें संशोधित वेतनमान नहीं मिला है तो उन्हें भी उनकी ये मांग है कि उन्हें भी संशोधित वेतनमान जो है दिया जाए और कैबिनेट में ये भी आज एजेंडा लगा है। तो वहीं अगर देखें तो जिस तरह से लंबे समय से जो कैबिनेट्स हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं उन कैबिनेट में जो भर्तियां हैं उनको लेकर जो पोस्टें हैं वो लगातार निकाली जा रही हैं तो आज की कैबिनेट में देखना होगा कि किस तरह के फैसले जो है लिए जा सकते हैं। और वहीं इसी के साथ में जो मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, जो जनसभाओं में घोषणाएं की जा रही हैं उन पर भी चर्चा होगी और उन पर भी फैसले आज आने की संभावना है। और इसी के साथ में जिस तरह से कुछ ही समय के बाद चुनाव है तो आज जो जिस तरह से कर्मचारियों की लगातार जो मांगे हैं कुछ कर्मचारियों की NHM पॉलिसी को लेकर अगर बात करें, चाहे वो बात करें संशोधित वेतनमान को लेकर, तो इस पर संभावना है कि आज कोई फैसला जो है वो आ जाए। जी समीक्षा इस दे नाल ही जेकर गल की जाए जिदा तुसी जिक्र कर रहे हो कि हो सकता है कि आखिरी कैबिनेट होवे हिमाचल की यह तो उस तो बाद नवी सतत्र जी आएगी उस द्वारा कैबिनेट की जाएगी तो अज की इस कैबिनेट के हिमाचल वासियों के लिए कोई वड्डी खुशखबरी खास तौर पर NHM का तुसी जिक्र किया या फिर होर भी तबके के जिहड़े भी वख-वख मुलाजम ने जिहड़े लंबे अरसे तो अपन मंगा वाल गौर फरमाउण दे लई कह रहे हैं उन्होंने लिए खुशखबरी कोई मिल सकती है अज उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि अंतिम सरकार की ये बैठक हो सकती है तो मुख्य तौर पर निश्चित रूप से जिस तरह से जो भी कर्मचारी हैं और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर आज चर्चा जो है वो संभावित है। कहाँ कहाँ लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को आज जो है वो समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा और जो भी सरकार की ओर से हो सकेगा वहाँ वहाँ जो है वो आज एक निजात लोगों को दी जाएगी क्योंकि कुछ ही समय के बाद चुनाव भी हैं और चुनाव में भी सरकार ने जाना है। तो जिस तरह से ये पूरा और बन रहा है तो जो भी मांगे हैं वो जल्द पूर्ण करने के आश्वासन जिस तरह से पहले देते आए हैं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज बड़े ऐलान जो है वो हो सकते हैं। ठीक है समीक्षा,
बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा तमाम जानकारी दी सांझ पाउण दे लई।